पहली बार थोड़ी वो चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा पहली बार चुनाव थोड़े, इसीलिए ये हमारे अल्पसंख्यक इंडिया अलायंस से हमारा गठबंधन होता है तब बैरिस्टर साहब हैदराबाद की ही सीट से लड़ेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, तब वो नहीं लड़ेंगे। गठबंधन अगर नहीं होगा तो वो अपने लोगों को खड़ा करने के लिए मजबूती इसके साथ तब वो लड़ेंगे और लड़के दिखाएंगे। इसे धमकी समझ ले इंडिया अलायंस, इसे धमकी समझ ले। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार AIMIM के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है, तो क्या 2024 का लोकसभा चुनाव असदुद्दीन ओवैसी यूपी की किसी सीट से लड़ने वाले हैं? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ताल ठोक कर खुद ओवैसी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, वो भी इस दावे के साथ कि तमाम पार्टियों को 2024 का चुनाव याद रहेगा। धमकी ये है कि इंडिया गठबंधन में शामिल कर लो, नहीं तो 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। खुद ओवैसी भी यूपी से चुनावी मैदान में उतरेंगे। हमने अपनी बात रख दी है कि हमें 5 सीट चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है, वरना तो हम 25 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। फिर हम पर ये आरोप मत लगाइएगा कि आप हमारी वजह से आपका प्रत्याशी हार गया, या हमारी वजह से आप सरकार नहीं बना पाए, या हमारी वजह से आप भारत के प्रधानमंत्री को हरा नहीं पाए। इंडिया अलायंस से हमारा गठबंधन होता है तब बैरिस्टर साहब हैदराबाद की ही सीट से लड़ेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, तब वो नहीं लड़ेंगे। गठबंधन अगर नहीं होगा तो वो अपने लोगों को खड़ा करने के लिए मजबूती इसके साथ तब वो लड़ेंगे और लड़के दिखाएंगे कि किस तरीके से 25 में से हम 5 सीटें जीत कर दिखाएंगे। तब 25 पर भी आप देखिएगा, वो तगड़ी फाइट होगी कि लोग याद करेंगे कि ऐसा चुनाव MIM ने लड़ा था कि इंडिया अलायंस और भारतीय जनता पार्टी की रात की नींद हराम हो जाएगी। तो आप लोग धमकी देकर इंडिया अलायंस में शामिल होना चाहते हैं? इसे धमकी समझ ले इंडिया अलायंस, इसे धमकी समझ ले। हम इतना मजबूत हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर जितनी इज्जत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आवाम ने दे रखी है, शायद ही किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतनी इज्जत हो। जिन 25 सीटों पर AIMIM अपने उम्मीदवार उतारने का प्लान बना रही है, उनमें से कई सीटों के नाम सियासी गलियारों में सुर्खियों में हैं। इनमें सहारनपुर, मेरठ, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, कैराना, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, अलीगढ़, बागपत, बदायूं, पीलीभीत, मोहनलालगंज, लखनऊ, गोंडा, डुमरियागंज और संत कबीरनगर के नाम शामिल हैं। इन सीटों के अलावा और भी कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर AIMIM अपने प्रत्याशी उतार सकती है। हालांकि गुरुवार की सुबह 25 सीटों वाली की गई दावेदारी शाम होते होते 7 सीटों पर सिमट गई। खुद AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष आसिम वकार ने अपने ही प्रवक्ता के बयान की हवा निकाल दी, और वकार के बयान में तो ओवैसी के यूपी की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का भी जिक्र नहीं था। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार AIMIM के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़, हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि ओवैसी और उनके नेताओं की 5 सीटों वाली धमकी को अखिलेश ने ये कहकर हवा में उड़ा दिया कि ये कोई पहली बार थोड़े ही चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार थोड़ी वो चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा पहली बार चुनाव थोड़े, इसीलिए ये हमारे अल्पसंख्यक चंद शब्दों में ही सही, लेकिन अखिलेश यादव का इशारा साफ है कि विपक्ष के वोट बैंक में सेंधमारी का ओवैसी का ये पैतरा नया नहीं पुराना है। मतलब ओवैसी का यूपी में किसी राजनीतिक दल से गठबंधन अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन गुरुवार के घटनाक्रम से साफ हो गया कि पार्टी की नजर यूपी की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर है।